हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरी यूट्यूब चैनल हिटमी 05 पर आज के वीडियो देख रहे हो। आज के वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है कि लगातार बैंकों के दबाव से जितने लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी राहत दी जा रही है सभी लोगों को। जहाँ पर अगर आप भी बैंक NBFC कंपनी के दबाव में आकर कुछ गलत कदम उठाने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस गलत कदम उठाने से पहले आप एक बार सोचिए, क्या आपको ये गलत कदम उठाना ज़रूरी है? क्या आपके लोन में राहत नहीं दी जा सकती? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने बैंक से NBFC कंपनी से अगर लोन लिया है, अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है, तो आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा बहुत सारी राहत पहुँचाई जाती है बहुत सारे लोगों को, जिसमें उनका मेन मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से कोई भी बैंक NBFC कंपनी आपको प्रताड़ित ना करें। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत बहुत ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखी जाती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं जागरूकता हो, आप अपने अधिकारों के बारे में जानो, ताकि बैंक NBFC कंपनी कभी भी आप पे दबाव ना बना सके। हालांकि ये तो चीज़ हुआ कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानोगे, जब तक अपने आप राइट्स के बारे में नहीं जानोगे, तब तक बैंक NBFC कंपनी आपका शोषण करेगी। कोई भी आपका शोषण तभी कर पाता है जब आप अपने अधिकारों को नहीं जान पाते। पर मान लीजिए कहीं हम ही गलत हैं, हमने लोन लिया, हमसे लोन नहीं दिया जा रहा, तो क्या बैंकों के पास ये अधिकार होता है कि हमें शोषण करे? तो यहाँ पर भारत सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं सभी बैंक NBFC कंपनी को कि आपको जितने भी कस्टमर हैं उनको राहत देनी चाहिए। और RBI भी इसको लेकर खुल के बात करता है कि जितने भी पुराने लोन हैं, जितने भी लोन जो रिकवर नहीं किए जा रहे हैं, जिन पे बहुत बार आपने देखा होगा उनको विलफुल डिफॉल्टर टैग कर दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, थोड़ा समझिए इसको। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब बैंक NBFC कंपनी आपसे पूछता है कि आप EMI क्यों नहीं दे पा रहे, पर आपके सवाल जवाबों के बीच में जो आप कारण बताते हैं उससे बैंक संतुष्ट नहीं होता। उनका ये मानना होता है कि आपकी आमदनी है, आप कमा रहे हो, फिर भी बैंक और NBFC कंपनी को उनका जो पैसा है आप उनको नहीं लौटा रहे हो, जिसके तहत बैंक NBFC कंपनी कई बार कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई में आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर पे बाद में लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसके तहत अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपका RC भी कटवाया जाता है, जिसमें आपके घर की अचल संपत्ति को बेचकर पैसे को रिकवर किया जाता है। अब हालांकि बहुत सारे मामले में ये देखा गया है कि लोगों ने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, छोटे व्यापारी है जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं और किसी कारणवश अपने EMI को नहीं पे कर पा रहे, तो क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक लोन लिए, लोन को नहीं पे कर पाए, जिसके कारण आज उनको जेल जाने की नौबत आ गई है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर आपका लोन जो है, अगर यहाँ पर 20 लाख से कम का है, आपका किसी भी तरह से लोन है अगर 20 लाख से कम है, तो सबसे पहले आप पे लीगल कार्रवाई उस ढंग से नहीं की जा सकती कि आपको जेल जाना पड़े। आप पे सेक्शन 138 के तहत 25A के तहत कोर्ट बुलाया जाता है, जहां पर इस कानून के तहत आप अपनी बेल को भी ले सकते हो, पैसे देने की बात की जाती है। और यहां पर मेन मकसद यही होता है कि आपके साथ बात करके बैंक आपके साथ समझौता करे और कहीं ना कहीं अपने लोन को समाप्त करे। इससे ज़्यादा ना उनकी मंशा होती है, ना इनसे ज़्यादा उनको अधिकार होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान वर्ग के हैं, अब सक्षम नहीं है वो पैसे देने में, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया पर अब उनकी अब माली हालत ऐसी नहीं है कि बैंक को वो पैसे लौटा पाए। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, वो ज़्यादा परेशान ना हो, उनको उनके लोन में राहत मिलेगी। देखिए कोई भी, और इसमें आपको सरकार भी मदद करती है, कोई भी बैंक NBFC कंपनी कोई भी लीगल कार्रवाई तभी करता है, कोई भी बैंक NBFC कंपनी आपको परेशान तभी करता है जब उनको एक उम्मीद होती है कि इनसे पैसे लिए जा सकते हैं। अब किसान हुआ, मृत्यु जिनकी हो गई है, क्या संभव है कि उनसे पैसे लिए जा सकते हैं? सबसे पहले अगर कोई भी आप किसान हो, अगर आपसे भी जबरन पैसे लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझिए आपको एक बात धमकाया जाता है कि हम आपकी संपत्ति को हड़प लेंगे, आपके खेत खलिहान को कब्जा कर लेंगे, तो ये लीगली संभव नहीं है। और जिन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है
उनके साथ एक चीज समझिए कि हर बैंक अपना एक इंश्योरेंस करता है, जब भी लोन देता है तो उस लोन का कवर करता है, जिसके तहत बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने पैसे को क्लेम कर सकती है। तो अगर आपके साथ भी कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी इस तरह से बोल रहा है तो ये संभव नहीं है। और यहाँ पर सरकार की मदद से राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जाता है, जिसमें आप अपने लोन का बड़ा हिस्सा माफ़ करा पाओगे। अगर आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो इस बार जाके आप अपने लोन का बेहतर से बेहतर डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें सरकार भी पूरी मदद करती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह से जेल जाने का कोई खतरा नहीं होता। यहाँ पे आपको स्वतंत्रता से पूरा अधिकार दिया जाता है कि जो संभव पैसे हो वो आप बोलिए। अगर आप उस पैसे को नहीं दे पाओगे तो इस पर बैंक एनबीएफसी कंपनी का किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपको एक एनओसी भी जारी करके दे दिया जाता है, जिसके बाद कभी भी कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी कभी परेशान नहीं कर सकता है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल जवाब हो लोन को रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जहाँ पे आप अपनी समस्याओं को लिखिएगा, अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।